الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम सामईन किराम, जहाँ रोज़ा रखने के लिए ये बातें ज़रूरी है कि उसका ज़ाहिर और बातिन कैसा होना चाहिए, रोज़ों में किन चीज़ों को करना चाहिए, किन से बचना चाहिए, उसी तरह एक इंसान को ये भी मालूम होना चाहिए कि रोज़ा नहीं रखेंगे तो उसका गुनाह क्या होगा। अगर एक इंसान रोज़ा छोड़ देता है तो फिर उसकी कज़ा कैसे करनी चाहिए, और रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता, रोज़े में कौन सी चीज़ें मकरूह हैं, सहरी का क्या तरीक़ा है, इफ्तारी का क्या तरीक़ा है, सहरी की नियत, इफ्तारी की नियत, इंशाल्लाह हम ये तमाम चीज़ें सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार अबद करार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख्सत और बग़ैर किसी बीमारी के छोड़ दिया यानी ना रखा, तो पूरे ज़माने भर का रोज़ा भी उस एक रोज़े की कज़ा नहीं हो सकता। यानी वो रोज़ा रख कर ये अपने ज़िम्मे से फ़र्ज़ तो उतार लेगा, लेकिन वो रोज़ा रख कर जो इसे सवाब मिलना था, पूरी जिंदगी के रोजे भी एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हरगिज हरगिज रमजान का कोई रोजा ना छोड़े। हजरत सैयदना अबू उमामा बाहिरी रदिल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सरकार मदीना सुरूर कल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में दो शख्स मेरे पास आए और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से पर पहुंचा यानी उसके बीच में पहुंचा, तो वहां बड़ी सख्त आवाजें आ रही थी। मैंने कहा ये कैसी आवाजें हैं, तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे और आगे ले जाया गया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनको उनके टखनों की रगों में बांधकर उल्टा लटकाया था और उन लोगों के जबड़े फाड़े गए थे यानी उनका मुंह फाड़ दिया गया था, जिनसे खून टपक रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया कि ये लोग रोजे का वक्त आने से पहले ही रोजा खोल लिया करते थे, मतलब रोजा तोड़ लिया करते थे, तो इस वजह से इन्हें ये सख्त तरीन आजाद दिया जा रहा है। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदिल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, ताजदार मदीना सुरूर कल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, आप फरमाते हैं जिसने माह रमजान को पाया और उसके रोजे न रखे, वो शख्स शकी यानी बदबख्त है, जिसने अपने वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक को जिंदा पाया और उनके साथ अच्छा सुलूक न किया, वो भी शकी यानी बदबख्त है, और जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद न पढ़ा, वो भी शकी यानी बदबख्त है। इस हदीस में तीन बदबख्तों का पता चला। एक तो वो शख्स कि उसे अल्लाह ताला ने रमजान अता फरमाया कि वो उसमें रोजे रख के इबादत करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह से मग़फ़िरत और रहमत और बरकत का इनाम हासिल करे, बजाय इसके उसने रोजे छोड़कर रमजान में गुनाह कर करके अल्लाह ताला को ऐसा नाराज कर दिया कि उसका नाम बदबख्तों में जहन्नमियों में लिख दिया गया। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बदबख्त इरशाद फरमाया कि रमजान मिल गया लेकिन रमजान मिलने के बावजूद वो रोजा ना रख पाया, वो गुनाहों से ना बच पाया।
इसलिए भाइयों हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और इस बाबरकत महीने के अंदर हमें हर किस्म के गुनाह से बचना चाहिए। जहां रोजे में ये जरूरी है कि क्या अमल करें और क्या अमल न करें, वहां ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें सहरी कैसे करनी चाहिए। चूंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सहरी का टाइम खत्म होने से पहले 40-50 मिनट एक घंटा पहले खा पी लेते हैं, हालांकि ये सुन्नत नहीं है। सहरी का सुन्नत तरीका ये है कि बिल्कुल आखिरी वक्त के अंदर सहरी की जाए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी आखिरी वक्त में रोजा रखने के लिए सहरी किया करते थे। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 10 मिनट में खाता है तो वो 20 मिनट पहले खाना शुरू कर दे और 10 मिनट इस्तिंजा और वजू के लिए बाकी रखे, ताकि नमाज और इबादत के लिए अपने आप को तैयार रख सके। ये ना हो कि सहरी से एक घंटा पहले या डेढ़ घंटा पहले या रात को खा के सो गए कि सुबह उठा नहीं जाएगा। ये गाफिलों की अलामत है, नेग्लिजेंस और गफलत की अलामत है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। बल्कि सुबह सहरी में उठकर फौरन इस्तिंजा और वजू से फारिग होकर फौरन पहले हमें तहज्जुद पढ़नी चाहिए, फिर कुछ कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। उसके बाद जब आखिरी वक्त आ जाए सहरी का, यानी दमिया तो बाकी हो, आधा घंटा बाकी हो या 20 मिनट बाकी हो, तो उन 20 मिनट के अंदर 10 मिनट में हम खाना खा लें और फिर से अगर हमें इस्तिंजा और वजू की हाजत है तो इस्तिंजा और वजू करके हम फौरन मस्जिद में जाके बैठ जाए। के मस्जिद में जब तक बैठे रहेंगे इंशाल्लाह हमें हर सांस के बदले, एतिकाफ की नियत करके बैठेंगे, हर सांस के बदले एक एक नेकी मिलती रहेगी। तो इस तरह सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त में उठते ही हमारे लिए सवाब का खजाना शुरू हो जाएगा। ये उस खिलाफ सुन्नत तरीके से बेहतर है कि बंदा रात को ही खा के सो जाए या सहरी में उठे तो वो जल्दी जल्दी उठे और खा के सो जाए और नमाज फजर भी ना पढ़े। तो ये मेरे भाइयों उन लोगों का रोजा है जो फकत मजबूरन समझो के रोजा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया है तो फर्ज अपने जिम्मे से उतार देता है। उसे रोजे की रूहानियत नहीं मिलेगी जो फकत खा पी के सो जाता है और फजर की नमाज पढ़ने नहीं आता। बल्कि खुशनसीब वो है जो उठे, तहज्जुद पढ़े, उसके बाद कुरान की तिलावत करे और फिर अच्छी तरीके से सुन्नत के मुताबिक सहरी करे और सहरी के बाद इस तरह उसे सहरी की नियत करनी चाहिए जैसे कि उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा। उसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज भी आए हैं। नंबर एक, सहरी की नियत, नवैतु अन असूमा गदल लिल्लाह तआला मिन फर्द रमदान, एक ये नियत है जो आप कर सकते हैं। दूसरी नियत, नवैतु अन असूमा हादल यौम लिल्लाह, इन दोनों का मतलब है कि मैं इस अगले दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखता हूँ। दोनों नियतों का मफहूम इनका मतलब यही है। तो आप इस तरह से नियत कीजिए और इसके बाद कुछ खाएं पिए नहीं, और बेहतर ये होगा कि सहरी से पहले पहले, चूंकि बहुत सारे लोगों के दांतों से खून आता है, तो सहरी क्लोज करने से पहले पहले, खत्म बंद करने से पहले पहले आप अच्छी तरह ब्रश भी कर लीजिए। उससे फायदा ये होता है कि मुंह से जो बू आती है उसमें भी कमी हो जाती है और जो मुंह से खून निकलता है वो खून निकलने में भी कमी हो जाती है। क्योंकि जब खा पी के बंदा फौरन सो जाता है तो खाने के अज्जा जर्रात वो दांतों के दरमियान फंस जाते हैं। जब बंदा पूरा दिन कुछ खाता पीता नहीं है तो उसकी वजह से जो हमारे मसूड़े होते हैं, ये जोंसीव होते हैं, ये सुखड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर खून निकलना शुरू हो जाते हैं मसूड़ों से, जिसकी वजह से हमारा रोजा भी टूट जाता है। इसलिए मिसवाक या हमें ब्रश सहरी क्लोज करने से पहले पहले कर लेना चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों जब हम इफ्तारी करें तो इफ्तारी में और सहरी में दोनों में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने आजान को नहीं देखना कि आजान कब होती है या अलार्म कब बजता है। अलार्म को सुनने के साथ साथ हमने अपनी घड़ी पे टाइम भी देखना है कि अलार्म ठीक तरीके से बज रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी जगहों में आप देखेंगे ये शिकायतें मिलती है, लोग शिकायतें करते हैं कि अलार्म पहले बज गया, हमारा रोजा खराब हो गया। सहरी में ये शिकायत होती है कि हमने पानी नहीं पिया था और अलार्म बज गया, हालांकि टाइम बाकी था और हम पानी ना पी पाए। तो रोजा बंद होता है टाइम से, रोजा खुलता है टाइम से। अलार्म या आजान से ना रोजा बंद होता है और ना रोजा खुलता है। इसीलिए हम आजान और अलार्म को सुनने के साथ साथ अपनी घड़ी में टाइम को भी देखेंगे कि टाइम हुआ है या नहीं, अलार्म ठीक टाइम से बचा है या नहीं। क्योंकि सारी जिम्मेदारी अलार्म बजाने वाले पे नहीं डालनी चाहिए। अक्सर औकात अलार्म बजाने वालों से भी गलती हो जाती है, अजान देने वाले से भी गलती हो जाती है।
इसलिए हमें खुद भी अपने रोजे का ख्याल रखना है, क्योंकि अलार्म बजाने वाला हमारे रोजे का जिम्मेदार नहीं है, हम खुद अपने रोजे के जिम्मेदार हैं। लिहाजा हम जब रोजा खोलेंगे, रोजे को इफ्तार करेंगे, तो अलार्म के साथ सब घड़ी के टाइम को भी देख लेंगे, और अलार्म बजते ही फौरन मुंह में नहीं डाल लेना चाहिए कि अलार्म बजते ही फौरन पी लिया। अलार्म जब बजे हम घड़ी पे टाइम को देखेंगे कि हाँ टाइम हो चुका है, उसके बाद 10 या 15 सेकंड इंतजार करने के बाद हम इंशाल्लाह अपना रोजा इफ्तार कर लेंगे। जिस तरह सेहरी के अंदर ताखीर करना, देर करना सुन्नत है कि आखिरी वक्त में खाए, इसी तरह रोजा इफ्तार करने में, रोजा खोलने में जल्दी करना सुन्नत है। लेट करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। अगरचे एक घूंट पानी भी मुयस्सर होता था, हुजूर अलैहिस्सलाम टाइम होते ही फौरन अपना रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। देर करना मकरूह है मेरे भाइयों। इसी तरह जैसे हमने सहरी यानी रोजा बंद करने की नियत सुनी, इसी तरह रोजे को इफ्तार करने की भी नियत है, दुआ है, उसकी नियत है। वो किस तरह करेंगे हम? उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा कि जब रोजा इफ्तार करने का वक्त आए तो हम कहेंगे اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت اللهم إني لك صمت لك صمت وعليك اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت। तो इस तरह हम इंशाल्लाह रोजा खोलने से पहले ये दुआ कर लेंगे, ये नियत कर लेंगे, तो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, जहां हमने इफ्तार और सहरी का तरीका सीखा, वहां लोगों को इफ्तार करवाने की बेहद फजाइल अहदीसे करीमा के अंदर मौजूद हैं। एक रिवायत में है, जो रोजादार को पानी पिलाएगा अल्लाह अज़्ज़वजल उसे मेरे हौज़े कौसर से कयामत के दिन जरूर पिलाएगा, और उसके बाद वो जन्नत के अंदर प्यास की आलम में दाखिल नहीं होगा, बल्कि हौज़े कौसर के जाम से सैर हो के जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि घर हो या बाहर हो, ये इसमें तख़सीस नहीं है कि बाहर किसी को रोजा इफ्तार करवाए, घर में भी जब हम बैठे हो तो रोजा इफ्तार करवाने से पहले हमें चाहिए कि अपने माँ बाप से कहें कि लीजिए आप रोजा इफ्तार कर लीजिए, अपनी बहनों से कहें लीजिए आप रोजा इफ्तार कर लीजिए, अपनी बेटी, अपने बेटे या अपने बड़े भाई या रिश्तेदार मौजूद हो या दोस्त हो या हम बाहर हो जहां भी हो, खुद रोजा खोलने से पहले हम अगर दूसरे से कह देंगे कि लीजिए भाई आप रोजा इफ्तार कर लीजिए, अगरचे एक पानी का घूंट हो, तो इंशाल्लाह बरोज़े क़यामत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथों से हौज़े कौसर के जाम भर भर के पीने को मिलेंगे। मेरे भाइयों, जहां हमने सहरी और इफ्तार करने का तरीका और इसकी एहतियातें सीखी, वहीं ये सीखना जरूरी है कि रोजा किन चीजों से टूट जाता है। चूंकि आवाम रोजा तो रख लेते हैं, लेकिन आवाम इन बातों से गाफिल रहते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा रोजा टूट सकता है। चुनांचे गौर से समाप्त फरमाइए, खाने पीने या अपनी औरत के करीब जाने से, हम बिस्तरी करने से रोजा टूट जाता है। हुक्का, सिगार, सिगरेट वगैरह पीने से भी रोजा टूट जाता है। पान वगैरह खाने से भी रोजा टूट जाता है। अगरचे कोई ये कहे कि ये खाना नहीं है, ये पीना नहीं है, लेकिन जब बंदा पान खाता है या वो सिगरेट पीता है, सिगरेट का धुआं मुंह में अंदर चला जाता है, उसका मुंह तो मैदे में इस्तमा में चला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो इफेक्ट होते हैं, उसका असर होता है, उससे नशा होता है, वो भी उससे रोजेदार के जिस्म को फायदा पहुंचता है। और हर वो चीज जिसे इंसान रोजे में अपने जिस्म को फायदा पहुंचाने के लिए अपने जिस्म के अंदर दाखिल करे, तो उससे उसका रोजा टूट जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, मुंह के अंदर कोई छोटी सी चीज फंसी हुई थी, जैसे तिल है या कोई और सालन का या कोई फ्रूट का, किसी और खाने वाली चीज का छोटा सा टुकड़ा दांतों में फंसा है, वो अगर थूक के साथ हमने निगल लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन उसे दांत से निकाल कर हमने चबाया और चबाने के बाद उसका मजा हमारे हलक में चला गया, तो उससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, दांतों से खून निकल गया फौरन थूक दिया तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उस थूक का मजा हमारे हलक तक पहुंच गया तो उसकी वजह से हमारा रोजा टूट जाएगा। इसी तरह रोजा याद होने के बावजूद किसी ने अगरबत्ती या लोबान के पास गया
और ये जानता था कि इसका धुआं मेरे नाक में जा रहा है, उसके बावजूद इसने खींच डाला। तो अगर उसने नाक से अगरबत्ती या लोबान या कोई सिगरेट पी रहा था और उसके सिगरेट का धुआं इसने अपनी नाक से खींच दिया और इसे पता चला कि नाक में या मुंह में अंदर धुआं चला गया है जो हमारे गले से नीचे उतर चुका है, तो इन चीजों की वजह से उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह कुल्ली कर रहे थे और कुल्ली करते करते खांसी हो गई और खांसी की वजह से थोड़ा सा पानी हलक में चला गया, मामूली सा, इसकी वजह से रोजा टूट जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि गलती से गया। इसी तरह कोई कुल्ली कर रहा था, किसी ने उसके जानबूझ के उसका मुंह बंद किया और जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डाल दिया, तो इसकी वजह से अगरचे उसने जबरदस्ती डाला है इसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह ये सो रहा था और अचानक बारिश शुरू हो गई और इसके मुंह में कतरा चला गया और इसे पता चल गया कि भाई मेरे पेट में मेरे गले से पानी का कतरा उतर चुका है, तो ऐसी सूरत में भी इसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, किसी ने अपना थूक मुंह से बाहर निकाला और मुंह से बाहर निकालने के बाद फिर अंदर कर दिया, अगरचे वो होंठ तक यहां तक आया था। मुंह से बाहर निकलने का मतलब यह है कि होंठ से बाहर आ जाए, यहां होंठ तक थूक आया और उसने फिर उसे दूसरे होंठ से या जबान से उस थूक को फिर से अंदर ले गया, इससे भी रोजा टूट जाता है। इसी तरह आंसू मुंह में चला गया, चाहे वो किसी भी वजह से आंसू निकला था, आंसू मुंह में चला गया, अगर एक दो आंसू हो जिनका मजा महसूस नहीं हुआ हलक में तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन इतने आंसू मुंह में गए कि बाकायदा उनका मजा हलक के अंदर महसूस हुआ, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। जब किसी को वोमी होती है, कह होती है, उल्टी लगती है, तो ऐसे में लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमारा रोजा बाकी है या नहीं है। तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़रअहु अल-क़य्यु फी शहर रमज़ान फला युफ्तिरु व मन तक़य्या आमिदन फ़क़द अफ़तरा। इरशाद फरमाया, जिसको खुद ब खुद वोमी हो गई, कह हो गई, उल्टी हो गई, उसका रोजा नहीं टूटा, लेकिन अगर किसी ने जान बूझ कर उल्टी कह कर डाली तो उसका रोजा टूट जाएगा। उसमें भी एक शर्त है कि उस वोमी के अंदर, उस उल्टी के अंदर, कह के अंदर खून, सफरा या खाना वगैरह होना चाहिए। बलगम की कह से रोजा नहीं टूटता, फा एक बाल्टी के बराबर भी कह हो जाए रोजा नहीं टूटता। जानबूझकर जो हम कह करेंगे कि किसी ने मुंह में उंगली डालकर जबरदस्ती कह कर डाली, उससे रोजा उस वक्त टूटेगा कि उसमें खून आए या सफरा है। सफरा कहते हैं पीले पीले पानी को जो कह करने, वोमी करने की सूरत में पीला पीला पानी आता है, या खाना जो खाया था वो खाना बाहर निकला। और दूसरी शर्त इसके लिए ये कि वो कह मुंह भर हो, मतलब मुंह भर कह वो होती है कि जिसको बंदा रोक ना सके, जब कह हुई उससे मुंह ऐसे फुल हो गया कि ये रोकना भी चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया और फुल मुंह भर कर इसे कह हो गई, इसे कहते हैं मुंह भर कह। अगर जानबूझकर इस तरह की कह किसी ने की तो उससे उसका रोजा भी टूट जाएगा और वुजू भी टूट जाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर किसी ने किसी को कह हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, एक बाल्टी दो बाल्टी भी हो गई, खुद से हो गई, रोजा नहीं टूटेगा उसका। किसी ने जानबूझकर उल्टी की लेकिन वो थोड़ी सी हुई, ज्यादा नहीं हुई, पेट में कुछ नहीं था, थोड़ी सी हुई जिससे उसका मुंह ना भरा, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह मेरे भाइयों, वो चीजें जिनसे रोजे की हालत में रोजा नहीं टूटता, ये भी मुख्तसरन समाप्त फरमाएं, भूल कर खाने पीने से या अपनी औरत के पास जाने से भूल कर रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर खा रहे थे या पी रहे थे या अपनी औरत के साथ थे और अचानक किसे याद आया कि मेरा तो रोजा है, तो जो मुंह में था फौरन थूक दे, जो पी रहा था फौरन रोक दे और उस पानी को फौरन थूक दे, औरत के साथ तो फौरन अलग हो जाए, ऐसी सूरतों में उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन ये इसके मुंह में ही था और हल्का सा भी इसने याद आने के बाद इसके हलक से नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। पानी का एक कतरा भी याद आने के बाद जानबूझकर इसने अंदर किया या याद आने के बाद गलती से भी चला गया, तब भी रोजा टूट जाएगा। और अगर अपनी औरत से अलग ना हुआ एक लम्हे के लिए भी, तब भी इसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर कोई कुछ खा पी रहा हो और खाते पीते में वो कुछ खा पी रहा है भूलकर, तो देखें कि वो कमजोर है या ताकतवर है। अगर वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, या बूढ़ा तो नहीं है, जवान है लेकिन बहुत कमजोर है कि बहुत बीमारी हो गई थी उसे, तो ऐसी सूरत में
उसे याद नहीं दिलाएंगे। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला ने उसे बुलाया है ताकि वो अपना रोजा आसानी से पूरा कर चुके कि इंतहाई बूढ़ा और इंतहाई बीमार और कमजोर होने के बावजूद उसने रोजा रखा है, तो लिहाजा उसे याद नहीं दिलाएंगे। लेकिन जवान ताकतवर, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, वो जब खाएगा पिएगा उसे हम याद दिलाएंगे। इसी तरह मेरे भाइयों, ये जो गर्द गुबार उठती है, कोई आटा पीस रहा है या कहीं कोई आटा गूंद रहा है और वो उड़कर मुंह में चला गया, या गलती से अगरबत्ती या लोबान या सिगरेट या कोई भी धुआं गलती से मुंह में चला गया, या गाड़ी चली और अचानक गर्द गुबार उठा जो हमारे मुंह में चला गया, या गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे कि उसका धुआं नाक में चला गया, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह इंजेक्शन लगाने से भी रोजा नहीं टूटता। गुसल कर रहे थे, गुसल करने के बाद हलक में कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह तेल लगाने से, सुरमा लगाने से, ख्वा सर पे तेल लगाया या सुरमा लगाया, अगरचे उसका मजा हलक में महसूस हुआ और सुरमा हलक में नजर भी आया, तब भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह कोई दवा घूटी, उसका मजा हलक में आया, रोजा नहीं टूटेगा। कान में पानी चला गया, ख्वा खुद डाला, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन कान में दवा डाली या तेल डाला तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरह कान में तीला डाला के बाहर कुछ निकला, फिर वही कचरा लेके कान में डाल दिया, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह दांतों के दरमियान कोई छोटी सी चीज फंसी हुई थी कि उस छोटी सी चीज को अपने थूक के साथ निकल लिया, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर चने के बराबर, एक चने के बराबर चीज उसने निकल डाली तो उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह दांतों से खून निकला लेकिन उसका मजा हलक में महसूस नहीं हुआ, फौरन इसने थूक दिया, तो रोजा नहीं टूटेगा। मक्खी मच्छर या गर्दो गुबार वगैरह मुंह में चला गया कि निकल लिया, अगरचे मक्खी हो या मच्छर हो, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जान बूझ के मक्खी मुंह में गई और उसने कराहत की वजह से या उल्टी आने की वजह से इसने फौरन वो निकल ली मुंह में, ये बाहर ना निकाल सका, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, कोई सहरी के वक्त खा रहा था और इसे किसी ने बताया कि यार सहरी का टाइम खत्म हो गया, बस करो, तो ऐसी सूरत में उसने अचानक मुंह से थूक दिया तो इसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो उसने अपने मुंह में डाल लिया सहरी का टाइम खत्म होने के बाद, अगरचे एक जर्रा भी हो, तो उससे उसका वजू जाता रहेगा। इसी तरह अगर किसी पर गुसल फर्ज हो जाए, एहतलाम हो जाए उसे, रोजा रखने के बाद वो सो गया, उसे एहतलाम हो गया, गुसल फर्ज हो गया, तो इस एहतलाम से उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझ के अपने ऊपर गुसल फर्ज करना किसी भी तरह से हो, इससे उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह बलगम जो मुंह में आता है या थूक आती है या नाक में जो रींट होती है उसे नाक से नीचे उतार लेना, या बलगम आया, फ्लेम आया, उसे नीचे उतार लिया, इससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह बाज लोग बार बार थूकते रहते हैं कि शायद थूक से रोजा टूट जाएगा, थूक से भी रोजा नहीं टूटता। जिस तरह मेरे भाइयों आपने ये तमाम चीजें समाप्त फरमाई, इसी तरह इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम हर गुनाह से बचे, हर गुनाह से दूर रहें। ये ना हो कि हम अपना जाहिरी रोजा दुरुस्त कर लें लेकिन बातिनी रोजे के का ख्याल न रख के अल्लाह ताला को नाराज करके रोजे के सवाब से महरूम हो जाए। मा अलैना इल्ला बलाग मुबीन।